खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमो। बनवार बानकपुर मार्ग पर ब्यारमा नदी के 60 फीट ऊंचे पुल से गिरकर युवक की मौत हो जाने का घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवक पुल पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था, इसी दौरान गिर जाने के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। मामले के मुताबिक आनू निवासी 38 वर्षीय कमलेश धनगर अपने दोस्तों के साथ नया साल मनाने ब्यारमा नदी के पुल पर गया था। इसी दौरान सेल्फी लेने के दौरान वह नदी में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल ही डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि सेल्फी लेने के चक्कर में युवक हादसे का शिकार हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे युवक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार को एक आवेदन देकर इस मामले में निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा कार्रवाई कराकर शव पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राम आनू के जो आवेदक पक्ष हैं बलिराम धनगर, इनका यह कहना है कि इनका जो भाई है कमलेश धनगर, वो आनू से उनके साथ वाले जो हैं गोविंद लोधी और अन्य साथी लोग ले गए थे, और इनका कहना है कि पुरानी कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसको धक्का दे दिया गया है। मेरे द्वारा थाना प्रभारी हिंडोरिया को निर्देशित कर दिया गया है कि उस घटना की पूरी जाँच करें। प्रकरण में इस वक्त जाँच की जा रही है। अभी तक के जो तथ्य ये है कि ये कोई वहाँ ब्यारमा नदी के किनारे वो डांस हो रहा था, उसकी वजह से पुल में गिर चुका है। अब चूंकि दोनों पक्ष सामने हैं, इनका कहना है कि धक्का दे दिया, दूसरे पक्ष का कहना है कि अचानक वो सेल्फी लेते समय गिर पड़ा है। जो भी स्थिति हो, थाना प्रभारी संपूर्ण
पक्ष को या संपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण संवैधानिक कार्रवाई करेगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज।